गांधी स्कूल स्थापित करने का क्या मेन मोटो था? हर 15 दिन में पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, जीवन सफल बनाएंगे, ये गांधी स्कूल का मुख्य नारा है रहा। गांधी स्कूल का नाम आपने गांधी स्कूल ही क्यों रखा? जो गांधी का जो पाठ जो उनके सिलेबस में है वो पढ़ के उन्होंने कहा कि क्यों ना हमारे हम इसको गांधी स्कूल कहने लग जाएं। तो बच्चों ने ये आइडिया दिया और हमने फिर वो धीरे धीरे ये जो नाम है गांधी स्कूल करके ये प्रचलित हो गया। इवनिंग में आप ये स्कूल को संचालित करते हैं, क्या कारण था? शुरुआत में हमारा ये 6 बजे शुरू होता था, जैसे ही मजदूर काम से आते तो वो अपने बच्चे वो जो ही घर आते तो हम उनको घरों से बुला के और पढ़ाने का काम करते। अच्छा, तो बच्चे इन कक्षाओं में इंटरेस्ट लेते हैं? वो सिर्फ इंटरेस्ट ही नहीं लेते बल्कि वो इतवार को भी आते हैं। बच्चों को शिक्षित करने में आपको कितनी खुशी मिलती है? खुशी बहुत मिलती है जब किसी बच्चे को जब फुटपाथ के ऊपर रहते हुए पढ़ते हुए मेरिट में आते हुए और वो बड़ी यूनिवर्सिटी में जाता है। हरियाणा की शिक्षा नीति को किस तरह देखते हैं, क्या इसमें भी सुधार की आवश्यकता है? ये जो प्रवासी मजदूर हैं, किसी का बच्चा 5वीं 6ठी क्लास से वहाँ से आया है तो उनके पास ना तो वो SLC जिसको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट बोलते वो नहीं होता जी। तो उसका फिर यहाँ पर दाखिले के समय अनेक तरह के वो अवरोध सामने आते हैं और उनका दाखिला नहीं हो पाता। तो कभी ली सरकार से मदद भवन निर्माण की? या आज तक कोई हमें पूछने भी नहीं आया कि आप ये काम ठीक भी कर रहे हैं। अच्छा, क्या बच्चों से कुछ शुल्क लिया जाता है स्कूल में पढ़ने का? बिल्कुल निःशुल्क है और यहाँ तक कि हम कापी, पेंसिल, किताब, बैग्स जी ये हम उसको निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। रोहतक की सड़कों पर अक्सर देखा जाता है कि बच्चे पैसे के लिए हाथ फैलाते हैं, वो शिक्षा से अब तक वंचित क्यों हैं? क्या उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं है? यदि एक संवेदनशील अभियान यदि शुरू किया जाए तो मुझे ये लगता है कि एक गांधी स्कूल नहीं, बहुत सारे गांधी स्कूलों की ज़रूरत है। देखा जाता है कि समाज सेवी अक्सर सुर्खियों में रहना पसंद करते हैं, लेकिन आप पर्दे के पीछे होते हैं। मुझे लगता है कि फिर आप कहीं ना कहीं एक स्वार्थ या अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए वो काम कर रहे होते तो उसमें वो सीरियसनेस नहीं आ सकती। चिकनी मिट्टी को कुम्हार जितने कोमल हाथों से थाप देता है, घड़ा बनकर वो उतना ही निखरता है। मनुष्य का जीवन बचपन काल में कुछ ऐसा ही होता है। जिन बच्चों के परिवारों के पास संसाधन होते हैं उनको अच्छी शिक्षा और अच्छा मार्गदर्शन मिल जाता है, लेकिन उनका क्या जिनके पास संसाधनों की कमी है? रोहतक में ऐसे ही बच्चों को शिक्षा देने का और मार्गदर्शन देने का काम कर रहे हैं गांधी स्कूल। आज हमारे साथ उन्हीं के संस्थापक नरेश कुमार जी मौजूद हैं। सर, आपका स्वागत है गरिमा टाइम्स पर। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, सबसे पहले आपसे यही जानेंगे कि अंधेरे से उजाले की ओर, इसका अर्थ क्या है? अंधेरे से उजाले की ओर हमारा ये तात्पर्य है गांधी स्कूल का कि हम निरक्षरता के अंधकार से निकल के अपने जीवन को उज्जवल और उसको बेहतरीन बनाने के लिए उजाले की ओर बढ़ें, ताकि निरक्षरता रूपी जो हमारे जीवन में जो दलदल है, जो उसकी जो पिछड़ापन है, उससे निकल के हम एक सभ्य समाज की दिशा में आगे बढ़ सकें। खास तौर पे उन परिवारों के बच्चे जो साधनहीन परिवारों से आते हैं, जो बाहर के प्रवासी मजदूर हैं, हरियाणा में और यहाँ रोहतक में भी हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूर यहाँ पर विभिन्न तरह के निर्माण कार्यों में जुटे हुए हैं जी। गांधी स्कूल स्थापित करने का क्या मेन मोटो था? हमारा मुख्य उद्देश्य ये रहा कि यहाँ रोहतक में हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूरों के बच्चे, घरों में काम करने वाली जो मेड हैं उनके बच्चे जिनको डोमेस्टिक वर्कर्स भी कहते हैं, और रैग पिकर्स के बच्चे और डिसेबल के बच्चे, कंस्ट्रक्शन का जो काम करते हैं उनके बच्चे, वो स्कूल में नहीं जा पाते थे। 5 सितंबर 2005 को मुझे एक ऐसी घटना ने उद्वेलित किया जिसमें एक प्रवासी मजदूर परिवार के 8 वर्षीय बच्चे को पीटा जा रहा था इस बात को लेके कि उन्होंने, उस बच्चे ने उसके घर में से पानी की टूटी को चुराया है।
तो मुझे जब ये घटना मैंने देखी तो मुझे ये लगा कि ये वास्तव में चिंताजनक है, और क्यों ना इतने ये सारे आसपास जो बच्चे पूरा दिन खेलते रहते हैं अपने माँ बाप के साथ, जो वर्कशाइट है कंस्ट्रक्शन की, जो काम पे जाते हैं मजदूरी पे, वहाँ पर पूरा दिन रहते हैं, इसकी बजाय क्यों ना इनको पढ़ने का और पढ़ाने का इनको सिलसिला ये शुरू किया जाए। उसी घटना ने फिर मुझे ये काम करने के लिए प्रेरित किया, और शाम को मुझे घर जाके भी ये बात घूमती रही। फिर मैं उनके घर पे आया, उन बच्चों के, मैंने 8-10 बच्चों को इकट्ठा किया और ये कहा कि कल सुबह हम पढ़ेंगे और यहाँ इस चौराहे पे इकट्ठे होंगे, बात करेंगे, कहानी कहेंगे और खेलेंगे। तो उनसे थोड़ी सी शाम को मैंने दोस्ती की। तो 5 सितंबर को 3 बच्चे आए एक चौराहे पे, उनके मुझे नाम याद है, राम नारायण, चूचू और अर्जुन। अच्छा। ये 3 बच्चे थे, वो आए, और वो चूचू तो एक बिल्ली का, एक जिसको कहते छोटा बच्चा, वो अपने काक में ना यहाँ ऐसे लटका के रखना ना, एक कॉपी उठा के आई और ऐसे लहराती हुई और बड़ी खुश नज़र आई। तो हमने उनसे कहानी सुनी, कुछ हमने कविताएं सुनाई, फिर मैं घोड़ा बन के मैंने उनको 2-3 को अपनी कमर पे बिठा के ऐसे लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा ऐसे किया। तो ये करके बच्चों के साथ आधा घंटा हमने थोड़ी सी बातचीत की। फिर हमने कहा भी मज़ा आया, उन्होंने कहा हाँ कल फिर आएंगे। अगले दिन 5 हुए, 7 हुए, 10 हुए, इस तरीके से विद्यार्थी बढ़ते गए। हम उस चौराहे पे 3 साल के लगभग हमने उस चौराहे पे बच्चों को पढ़ाया। लेकिन धीरे धीरे जो मध्यम वर्गीय परिवार है उनको ये लगा कि ये मास्टर तो मतलब हमारे बच्चों को डिस्टर्ब कर रहा है, ये शोर करते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि यहाँ से आप उठा लो अपना ये जो क्लास है, ये और कहीं लगा लो। फिर हमने कहीं और दूसरे चौराहे पे चले गए, किसी के घर के सामने। ऐसे करते करते हमें 7 बार स्कूल बदलनी पड़ी जगह, और फिर हम एक पार्क में एक स्ट्रीट लाइट के नीचे सेक्टर 4 के हाउसिंग बोर्ड में रोहतक में हमने ये शुरू किया। सर आपने बताया कि मध्यम वर्गीय परिवारों के व्यवहार की वजह से आपने कई दफ़ा स्कूल की लोकेशन बदली, तो उनका व्यवहार कितना सही या गलत मानते हैं? मुझे ये लगता है कि हमारे हरियाणा में सामाजिक पिछड़ेपन के चलते आम तौर पे मतलब ऐसा देखा जाता है कि मजदूरों के प्रति, महिलाओं के प्रति, गरीबों के प्रति हमारे यहाँ समानता और लोकतांत्रिक जो माइंडसेट जिसको कहते हैं उसकी कमी है, काफ़ी कमी है। और कई बार जब मेरे पास से कुछ ऐसे भी थे लोग जो गुजरते थे वहाँ से, तो हंसते थे, वो कहते थे कि इन मजदूरों के बिहारियों के बच्चों को तो DC बनाएगा, ऐसे मतलब कमेंट करते थे। लेकिन मैं हाथ जोड़ के मैंने कहा था कि चलो DC नहीं तो ये कुछ सीख जाएंगे, अपना पढ़ना लिखना सीख जाएंगे, इनके लिए तो वो डिप्टी कमिश्नर से भी बड़ा होगा। इस तरह के कमेंट्स मतलब देखने को मिलते थे। लेकिन सब लोग एक जैसे नहीं होते, वहाँ भी बहुत सारे अच्छे लोग थे जिन्होंने सपोर्ट किया और जिन्होंने कहा कि ये भले का काम है। शुरू में तो लोगों को लगा कि 1-2 महीने में भाग जाएगा यहाँ से, ऐसे ही कर्मकांड होगा। लेकिन धीरे धीरे जब उनको ये लगा कि ये तो भागने वाला नहीं है, या तो बच्चे आते गए, ये तो रोज़ आने लगा, और हम वॉलंटियरली 4-5 जो वॉलंटियर्स हैं वो शुरू से मतलब वहाँ पे आते रहे। जैसे दीपिका एक लड़की, वो जो सिविल सर्विसेज की वो कर रही है, पुलकित है, अभी उसकी IAS में अभी 64वीं रैंक आई है, वो पढ़ाने आते थे, उसके पेरेंट्स पढ़ाने आते थे, संतोष उसकी मदर वो भी पढ़ाने आती थी, राहुल हैं जो वो पढ़ाने आते थे, सीमा है प्रोफेसर वो पढ़ाने आती थी। तो बीच बीच में जितना जिसको समय मिला वो वॉलंटियर्स के तौर पे उन विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए आते रहे। जो याद है कि मलाला यूसुफजई पे एक बार जब हमला हुआ, क्योंकि वो बच्चियों की शिक्षा के लिए काम कर रही थी, तो गांधी स्कूल के बच्चों ने उसकी जल्दी स्वस्थ हो उसको और मतलब उसकी उसकी प्रे के लिए उन्होंने एक रैली आयोजित की कि मलाला हम आपके साथ हैं, और मलाला के जो ऊपर अटैक करने वाले हैं उनको सजा हो, और इस तरह की जो समाज में लोगों के लिए कोई स्वीकार्यता नहीं है जो इस तरह के एक्टिविस्ट के ऊपर हमला करते हैं। तो मुझे ये है, चाहे वो
सबरीमाला का वो जो सवाल हो पीछे कि महिलाओं के सवालों पे जेंडर इक्वलिटी के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, हमारे लिए ये बड़ा चुनौतीपूर्ण काम था कि हरियाणा में प्रवासी मजदूरों के बच्चों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना, एक फिजा बनाना, एक वातावरण बनाना, क्योंकि उनमें ये था कि सामाजिक असुरक्षा की भावना रहती है और वो अपने साथ ले जाना पसंद करते हैं। धीरे धीरे लड़कियां बड़ी होती गई तो जो ट्रस्ट है, जो विश्वास है, वो हासिल करना, और वो आज मतलब हमारे पास 150 के करीब बच्चे हैं, 150। हम दो जगह चलाते थे, अब हम एक जगह सेक्टर 5 के फायर स्टेशन के पीछे चल रहा है, और 150 विद्यार्थी नियमित रूप से इतवार को भी मतलब छुट्टी नहीं करते। वो ये कहते हैं कि हमारा दिल नहीं लगता, तो सुबह वो सरकारी स्कूलों में जाते हैं, शाम को 3:30 बजे आना शुरू हो जाते हैं, 8:30 बजे तक मतलब वो रहते हैं। और हम बहुत ही व्यवस्थित ढंग से अब इस स्थिति में आ गए हैं। हम बहुत ही यहाँ के जो शानदार इंसान हैं, शानदार जो सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए अनेक डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप जैसे जो मीडिया में भी जो बेहतरीन मूल्यों के साथ मतलब एक निर्भीकता और ईमानदारी से लगे हुए हैं, हम ऐसे उन तमाम सारे नागरिकों की बल के ऊपर ही हम ये काम मतलब कर रहे हैं। और अब वो जो लड़कियां हैं वो अपने सपने गढ़ रही हैं, अपनी आकार दे रही हैं अपने भविष्य को। और अभी एक लड़की ने यहाँ पर बनस्थली, जो राजस्थान में लड़कियों की महिलाओं का विश्वविद्यालय है, उसमें उसमें बीटेक कंप्यूटर में उसका एडमिशन हुआ है। इसी प्रकार दो लड़कियां जीएनएम का कोर्स कर रही हैं यहाँ रोहतक में ही। इसी तरीके से एक उदयपुर में एक लड़के का वहाँ पर हम एडमिशन दिलाने में कामयाब हुए हैं जी। और अब ये बच्चे कहते हैं, अब जब हम कभी इनके अनुभव शेयर करते हैं तो ये कहते हैं कि हमें ये अंदाज़ा नहीं था कि हमारा भी इस तरह का मतलब जीवन बदल जाएगा। और वो बदलना इस रूप में कि जब वो तैयार हो के और शाम को जब स्कूलों में भी 12वीं, क्योंकि इससे पहले किसी ने नहीं की थी उनके परिवार में, तो ये कहते हैं कि हमारी ये पहली पीढ़ी है जो पढ़ रही है, हमारी ये पहली पीढ़ी है जिसमें मतलब बाल मजदूरी और बाल विवाह हमने नहीं किया। वो ये कहते हैं कि वरना हमारी हालत बाल विवाह की दलदल और बाल मजदूरी की दलदल में हम हमारी जो उस चक्की में हम पिस रहे होते यदि गांधी स्कूल नहीं होता तो। सर, गांधी स्कूल का नाम आपने गांधी स्कूल ही क्यों रखा? तो हमें लगा कि वो जो उनका जो दर्शन जो रहा है, सद्भाव का, सच्चाई का, अहिंसा का, ईमानदारी का, हमने सोचा कि ये आज के दौर में ये जरूरी है कि ये बच्चों ने कहा कि हम तो जो गांधी का जो पाठ जो उनके सिलेबस में है वो पढ़ के उन्होंने कहा कि क्यों ना हमारे हम इसको गांधी स्कूल कहने लग जाएं। तो बच्चों ने ये आइडिया दिया और हमने फिर वो धीरे धीरे ये जो नाम है गांधी स्कूल करके ये प्रचलित हो गया। अच्छा, तो बच्चे इन कक्षाओं में इंटरेस्ट लेते हैं? हमारा ये कहना है कि वो सिर्फ इंटरेस्ट ही नहीं लेते बल्कि वो इतवार को भी आते हैं। ये दिखाता है कि वो ये कहते हैं कि हमारा घर पे दिल नहीं लगता, कोई भी सरकारी छुट्टी हो, कोई भी गर्मियों की छुट्टी है, कभी छुट्टी नहीं होती और कोई दिन मतलब ना ऐसा दी जाता है जब गांधी स्कूल में एब्सेंस हो। अच्छा, क्या बच्चों से कुछ शुल्क लिया जाता है स्कूल में पढ़ने का? ये बिल्कुल निःशुल्क है और यहाँ तक कि हम कापी, पेंसिल, किताब, बैग्स ये हम उसको निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। और ये हम हमारे ऐसे मित्र हैं जैसे मैंने बताया डॉक्टर प्रवीण मल्होत्रा हैं, अतुल्य हैं जैसे डॉक्टर रवि मोहन हैं, ऐसे कुछ प्रोफेसर्स हैं, नीरजा अलावत हैं, मैं मतलब ना सुनीत जी हैं, यहाँ ऐसे बहुत सारे नफीस किस्म के इंसान हैं जो इस हमारे इस मिशन को, इस अभियान में समर्थन देते हैं। और यहाँ तक कि मैं एक घटना बताऊं, एक डॉक्टर प्रवीण मल्होत्रा हमारे कार्यक्रम में आए थे, जब उनको पता लगा कि पूजा ने 80% नंबर लेके अभी इसी साल और उसका जीएनएम में एडमिशन करवाया है और 2,40,000 रुपये छोटी फीस नहीं होती उसकी, बड़ी प्राइवेट स्कूल कॉलेज की फीस होती है जी। तो उसको डॉक्टर प्रवीण मल्होत्रा ने उसकी माँ को बुला के ये कहा कि बात सुनो,
उसने कहा, मैं बड़ा इमोशनल हो गया उस टाइम में। उन्होंने कहा कि ये बेटी मेरी बेटी है, इसका इसकी फीस की चिंता मत करना और इसकी शादी की चिंता मत करना। अच्छा सर, हरियाणा की शिक्षा नीति को किस तरह देखते हैं, क्या इसमें अभी सुधार की आवश्यकता है? मुझे ये लगता है कि आज सबसे बड़ी जो बातचीत करने की ज़रूरत है वो शिक्षा नीति के ऊपर है। जो नया जो निर्णय आया है सरकार का, वो मॉडल संस्कृति स्कूल में 500 रुपये आपके एडमिशन के हैं और 200 और 300 रुपये जो उसकी फीस है वो नहीं होना चाहिए। वो मुझे लगता है कि राइट टू एजुकेशन RTE जिसको कहते हैं, अब वो लागू है, उसके साथ न्याय नहीं है, वो उसका अनादर है। तो धीरे धीरे जब ये स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है, इससे हरियाणा में लड़कियों की शिक्षा के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ते जा रहा है, मैं ऐसा मानता हूँ। क्योंकि यदि कहीं से स्कूल बंद हो गए और 2 किलोमीटर दूर चला गया, तो आजकल जिस तरीके से सामाजिक सुरक्षा का सवाल है और गरीब आदमी को तो ये लगता है कि मैं मेरी बेटी को 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर दूर ना भेज के वो घर पे ही रहे। और घर पे भी मतलब आजकल आपको पता है कि जो सुरक्षा का जो सवाल है, दिन में दिहाड़ी मजदूरी पे चले जाते हैं, वो डर बना रहता है माँ बाप को कि मेरा बच्चा घर पे वो ठीक से सुरक्षित भी होगा या नहीं होगा। 5 सितंबर 2005 को आपने गांधी स्कूल की शुरुआत की, तब 3 बच्चे कक्षा लेने आए थे, आज उन बच्चों ने क्या मुकाम हासिल किया है? वो जो 3 बच्चे थे वो शुरुआत में वो हमारे पास 3-4 साल रहे, लेकिन आज से मैं जब ये 15-16 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो उस टाइम पे प्रवासी मजदूरों में कोई एक स्थाई ठिकाना नहीं होता था। 10 दिन काम आज मिल गया तो आज यहाँ पे हैं, 1 महीना कहीं और मिल गया तो 1 महीना कहीं और चले गए। बच्चों को शिक्षित करने में आपको कितनी खुशी मिलती है? मुझे तो ये लगता है कि मैं स्कूल में ही रहता हूँ। सर, रोहतक की सड़कों पर अक्सर देखा जाता है कि बच्चे पैसे के लिए हाथ फैलाते हैं, वो शिक्षा से अब तक वंचित क्यों हैं, क्या उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं है? जाहिर है कि आपका जो सही सवाल है, और यदि शासन और प्रशासन के स्तर के ऊपर यदि एक संवेदनशील अभियान यदि शुरू किया जाए, तो मुझे ये लगता है कि एक गांधी स्कूल नहीं, बहुत सारे गांधी स्कूलों की ज़रूरत है। एक दूसरी बात मुझे ये लगता है कि यदि हमारे शिक्षा का जो जिसको कहते हैं सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र की शिक्षा में, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल खुले और उसमें एक ट्रेनिंग दी जाए, और एक ख़ास तौर पर विशेष ट्रेनिंग दे के टीचर्स को, स्कूलों की ये जिम्मेदारी लगे कि कुछ नौजवान जो बेरोज़गार हैं, जो टीचर्स की नौकरी के लिए भी धक्के खा रहे हैं, क्यों ना कुछ ऐसे नौजवानों को ये काम दिया जाए कि जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो चौराहों पे मतलब गाड़ी पे कपड़ा मारेंगे, मतलब ना वो जो पैसे मांगने के लिए जो फिरते हैं, या आप ये देखोगे कि वो मतलब अपने वो कर्तव्य दिखाने के लिए ना रस्सी पे, मतलब हमारे वहाँ जो बच्चे हैं, हमने बिल्कुल जो कबाड़ बीनने वाले, उन्होंने अपना वो जो कबाड़ बीनने का वो जिसको बोलते हैं ना कट्टा, वो फेंक के उन्होंने पढ़ना शुरू किया है। और वो जो रस्सी के ऊपर जो चलने वाले जो वो जो लड़कियां हैं ना, वो जो खेल वाली, वो लड़कियां मतलब बड़े बहुत ही शिद्दत के साथ आ रही है। और एक फ्रेंडली वातावरण होना चाहिए सरकारी स्कूलों में भी, और ये टीचर्स को भी मतलब और ज़्यादा संवेदनशीलता के साथ सामने आना चाहिए कि ये जो बच्चे हैं ये हमारे बच्चे हैं, संवेदनशील रह के और उनको रोज़ स्कूल में कैसे लेकर आए ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए। साथ के साथ मुख्य जिम्मेदारी बनती है, वो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सभी स्कूलों में पर्याप्त संख्या में टीचर्स और अन्य सुविधाओं का वो प्रबंध। सर, आपने बताया कि ओपन ग्राउंड में बच्चों को शिक्षा दी जाती है, क्या इस दौरान उन्हें डिस्टरबेंस नहीं होती? हमारे पास हमारी सीमाएं हैं, हम पार्क में पढ़े और पार्क में घूमने वाले भी आ जाते थे, लेकिन हमारे पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था। पार्क में जैसे तैसे भी हम ये कोशिश करते थे कि 2-2.5 घंटे उन बच्चों को ग्रुप्स में बिठा के, समूह में बिठा के उनको पढ़ाते थे, ताकि हम रोज़ाना ये जरूर करते हैं कि शिक्षा का क्या महत्व हो। पढ़ने जाएंगे तो हम अफसर बन जाएंगे, जब हम नारा लगाते लड़का लड़की एक समान, पढ़ेंगे पढ़ाएंगे जीवन सफल बनाएंगे, जहाज भी उड़ाएंगे, स्कूटर भी चलाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे।
और जब हम ये कहेंगे अरे अरे पढ़ेंगे नहीं तो देखो मम्मी पापा क्या उनकी तरह झाड़ू पोछा करना पड़ेगा, और जो कस्सी का काम करते हो कस्सी पैरों में भी लग सकती है ना। बिल्कुल हाँ, तो हमने कस्सी मार लोगे पैरों में यदि पढ़ोगे नहीं तो। तो हम कोशिश करते हैं कि रोज़ उनको इस एहसास के साथ कि वो जो शोषण की जो चक्की है दलदल है, और कई बार वो भी होते हैं देखो उनको ये पता है कि हमारे पापा के पैसे किसी ने दिहाड़ी कम दी या किसी ने एक दो दिन की दी ही नहीं। कई बार कोरोना के दौरान ऐसी नौबत आई जिसमें गांधी स्कूल ने मतलब अपने जो हमदर्द और शुभ चिंतकों के साथ मिलके मतलब 5.5 लाख रुपए का रॉ मटेरियल अच्छा वो बांटा, और उनके लिए दवाई का पानी का जिसमें डॉक्टर और कई मतलब सामाजिक सरोकारों के लोग हैं, और हमने हर मतलब ना परिवार में हर कॉलोनी में 1200 परिवारों को लगातार 3 महीने तक चावल तेल आटा और ये चीनी चाय पत्ती साबुन ये जो ज़रूरत की चीज़ें हैं ये उन बच्चों ने और मतलब ये बिल्कुल सावधानी से हालांकि उसमें बहुत रिस्क उठाते हुए किया, ज़िंदगी दाव पे लगा के किया बिल्कुल। लेकिन हमारे कई दोस्तों ने कहा कि यदि इंसान ही मर जाएंगे तो हमारा रहने का भी कोई मतलब नहीं होता। आपने कोरोना काल का जिक्र किया सर, उस दौरान गांधी स्कूल को संचालित करने में कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्या बंद करने की भी नौबत आई थी? हमें डर बहुत लगता था, हमें डर ये लगता था कि हो सकता है हमें प्रशासन आके और वो बंद करके हमारे खिलाफ कार्रवाई हो जाए। तो हम डरते डरते हम दो चार मतलब वो बुलाते थे परिवारों को, और हम दूर दूर खड़े करते थे मास्क लगा के पूरी सावधानी से जी। बहुत मतलब कभी रात को 7 बजे कहते आ जाना, कभी मतलब कोई आ जाता तो कि तुम सबको मारोगे तुम ये क्या कर रहे हो हम आपको गिरफ्तार करवा देंगे, और इस तरह से मतलब ना बहुत सारे लोग कहते। फिर हमने कहा कि ये मर तो वैसे ही जाएंगे यदि इनको कुछ खाने को नहीं मिलेगा तो जी। तो फिर हम वो जो साइकिलों पे रख रख के वॉलंटियर्स के साथ जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं हम कॉलोनियों में जाते और कई स्कूल में मतलब करते, कई बार तो हालत ही हो जाती कि वो कई दिनों तक मतलब महीनों तक काम बंद रहा। तो गांधी स्कूल में जो भी मतलब कोई बैग वगैरह लेके आता आटे के थैले बैग और वो तो बिल्कुल भगदड़ मच जाती, और हमें ये डर लगता है वो सामने वो जो PCR और उसके ये कहते कि आने वाले हैं सर आने वाले हैं, मैं बड़े हाथ जोड़ के जल्दी कहते जल्दी जाओ जी। और ये ऐसी मतलब जो दौर था जो मतलब एक तरफ उनकी भूखा मरने की नौबत थी, एक तरफ मतलब हमें ये डर था कि किसी बच्चे को या किसी को हो गया तो मतलब हमारे लिए वो बड़ा मुश्किल होगा। तो एक ऐसा दमंद, लेकिन उस दमंद के दौरान भी हमें ये लगा कि ये बच्चे यदि क्योंकि ऑनलाइन क्लासेज और ऑनलाइन अपरेटस कैसे हो सकते हैं इन बच्चों के साथ, ज़्यादातर बच्चे हमें ये लगा कि ये जो कोरोना ने पढ़ाई के ऊपर बहुत ही नकारात्मक मतलब प्रभाव डाला है, और ये जो गरीब परिवारों के से जो आने वाले जो बच्चे हैं इनकी पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित हुई है, और बहुत सारे बच्चे उस दौरान जो स्कूल छोड़ के गए वो कहीं ना कहीं मतलब बाल मजदूरी के रूप में अपने माँ बाप वाले कामों में भी इनकॉर्पोरेट हो गए, वो जाने लगे, उन्होंने शुरू कर दिया। जो बच्चे शाम को आते थे हम बिल्कुल हमारे वो सिर के ऊपर ये भी था कि बोझ था कि मतलब कभी भी कोई भी आके हमारे को दिक्कत कर सकता है, लेकिन फिर भी हम 3-4 फुट के उसमें बिठा के कहीं पीछे कहीं आगे उनको ये कोशिश करते थे कि उनकी पढ़ाई किसी तरीके से प्रभावित ना हो। जी, तो अभी कितने टीचर्स आपके स्कूल से जुड़े हुए हैं, क्या उन्हें तनख्वाह भी देते हैं आप? नहीं, हमारे गांधी स्कूल में ये है कि पहले जो 10वीं 11वीं 12वीं और 9वीं क्लास के जो सीनियर बच्चे हैं वो पढ़ाएंगे 1वीं 2वीं 3वीं 4वीं 5वीं को। अच्छा, पहले वो 3:30 बजे आएंगे, वो शुरू हो जाते हैं 3:30 बजे बच्चे आना, तो पहले सीनियर उनको पढ़ाएंगे 2 घंटे, और फिर सीनियर्स को पढ़ाने अलग अलग जैसे वॉलंटियर्स आते हैं, जैसे मैथ के हैं वो आते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री के वो आते हैं, हिस्ट्री की मैडम हैं प्रोफेसर हैं,
जैसे यूनिवर्सिटी से वो भी मतलब ज्वाइन कर लेते हैं, कोई रिटायर्ड प्रिंसिपल भी ज्वाइन कर लेते हैं, वो संतोष और वो बलहरा, वो जो पुलकित के फादर हैं जो मुखरा जिन्होंने यूपीएससी किया वो भी आते हैं, तो ऐसे वॉलंटियर्स भी आते हैं। लेकिन हम दो जो वॉलंटियर्स हैं वो बेरोजगार हैं, बहुत दूर से आते हैं, उनको ऑनरेरियम दे देते हैं। ऑनरेरियम चार पांच लोगों से इकट्ठा किया, 100-100, 200-200 रुपये में जो दोस्त हैं, और उनको ये कहते हैं कि आप ये इसमें तेल डलवा देना अपनी स्कूटी में, क्योंकि कोई भी आदमी 5 किलोमीटर आना जाना तो एक दिन आएगा दूसरे दिन नहीं आएगा जी। तो हमने ये कर रखा है कि हम आपको ये मान दे देते हैं ऑनरेरियम रिस्पेक्ट के तौर पे, कि ताकि आप यहाँ इन बच्चों के पास आना ना छोड़े जी, क्योंकि उनके पास साधन नहीं होता, बेरोजगार तो फिर आएगा नहीं जी, मैं तो बहुत दूर से आता हूँ। तो इस तरीके से हम एक मैथ वाले को ऑनरेरियम देते हैं, और एक लड़का ऑटो चलाता रात को, दिन में लाइब्रेरी में पढ़ता, कंपटीशन की तैयारी करता है, और 4 बजे वहाँ स्कूल में आता है, कुछ उसको मतलब ना ऑनरेरियम देते हैं इस तरीके से जी। तो 3 मतलब उनको देते, बाकी 5-6 लोग जो हैं वो जो सीनियर क्लासेस को पढ़ाते हैं वॉलंटरली पढ़ाते हैं, छोटे स्टूडेंट्स को मतलब ये जो सीनियर स्टूडेंट्स ये पढ़ाते हैं, उस चैन के बिना मतलब ये सरवाइव नहीं हो सकता, क्योंकि 150 बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं बिल्कुल, और इसके लिए खर्च बहुत बड़ा चाहिए, इसके लिए जो हमारे पास कोई ऐसा स्थाई हमारे पास कोई वो ऐसा संसाधन नहीं है। हम तो जो मतलब 5 लोग जो हैं उसमें ना वो बांट के, और फिर उनको कहते हैं कि जी ये आपके 1000 रुपये हमारे पास, 1000 का तेल लगवा लेना और आ जाना बिल्कुल। तो इस तरीके से एक कोऑपरेटिव तरीके से मतलब हम चला रहे हैं, कोई फंडेड नहीं है, कोई सरकार का कोई किसी तरह का हमें मतलब इसमें इसको रन करने में कभी किसी तरह का वो मदद नहीं मिली। तो कभी ली सरकार से मदद भवन निर्माण की या आज तक कोई हमें पूछने भी नहीं आया कि आप ये काम ठीक भी कर रहे हो, नहीं ना प्रशासन नहीं आया, ना कभी कोई शिक्षा विभाग आया, बल्कि कई बार जब स्कूलों में जाते हैं ना तो खुश नहीं होते, उनको ये लगता है कि अब ये सिर खाएगा ये मास्टर, अब ये पूछेगा इसका एडमिशन करो जी, इसका मतलब परिवार पहचान पत्र के बिना करो जी, इसका जी मैं लेके आऊँगा जी 2 दिन बाद पहुँचा दूंगा, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, तो वो फिर ये सोचते हैं कि मतलब हम इन बच्चों के एडमिशन के दौरान बिना डॉक्यूमेंट्स के कैसे करें, उनको भी ये लगता है कि हम कर नहीं सकते। मेरे को ये लगता है कि मतलब ये सुप्रीम कोर्ट ने ये कह रखा, उन्होंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, ये जो हमारा एडमिशन का जो प्रोसेस है ये तो इसमें अनिवार्य मांगता है इनको, और हमारी जो पोस्ट है वो गांधी स्कूल जैसे स्कूल हो तो सरकारी स्कूलों में हम बिल्कुल तैयार करके देते हैं उन स्टूडेंट्स को। गांधी स्कूल के स्टूडेंट्स जो वहाँ तैयार होके जाते हैं वो मेरिट में आते हैं, हम कहते हैं कि आपके स्कूल का तो नाम होता है इससे जी, और आपको कितनी कम मेहनत करनी पड़ती, क्योंकि मेहनत हम 4-4.5 घंटे करते हैं, कभी कोई सांस मतलब ना कोई 5-10 मिनट का भी कोई ब्रेक नहीं होता, इतना बिल्कुल कंटिन्यू मतलब एक के बाद एक टाइम टेबल के हिसाब से कौन से टाइम पे किसकी क्लास होनी है फटाफट मतलब ना, जैसे वो तो पीरियड्स डिवाइडेड है एग्जैक्टली 40-40 मिनट का एक पीरियड है, और वो जैसे ठीक मतलब ना टाइम पे आएंगे, कोई ये नहीं है कि 5 मिनट भी यदि कोई लेट होता तो उसको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है, वहाँ बहुत ज़्यादा फ्रीडम होती है, लेकिन फ्रीडम के साथ अनुशासन होता है, अनुशासन के साथ एक जेंडर न्यूट्रल मतलब एक एटमॉस्फेयर होता है, जहाँ मतलब ये नहीं है कि ये लड़का है या लड़की, ये सवाल नहीं होना चाहिए, सवाल ये है कि एक के तमाम सारी जो मानवीय और एक संवेदनशील वातावरण है, तो एक लड़की बैठी है या लड़का बैठा है, दिन में बैठे हैं या रात में बैठा है, व्यवहार एक जैसा होना चाहिए बिल्कुल, वो एक दूसरे के नहीं भेजते मत करते कि तुम किस जाति को, किसी को नहीं पता, और किसी को ये नहीं लगता कि ये हिंदू है मुस्लिम है, वो कहते हैं कि हम सब इंसान हैं और एक इंसान के नज़रिए से ही हम चीज़ों को देखते हैं जी। अच्छा सर, देखा जाता है कि समाज सेवी अक्सर सुर्खियों में रहना पसंद करते हैं, लेकिन आप पर्दे के पीछे होते हैं, आपने ना बिल्कुल सीखा, मुझे ये लगता है कि इस काम पे इस चिंता में नहीं रहना चाहिए कि कोई बहुत बड़ी मतलब ना नोबल वो होगा या मेरा नाम आए सुर्खियों में, मुझे लगता है कि फिर आप कहीं ना कहीं एक स्वार्थ
या अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए वो काम कर रहे होते, तो उसमें वो सीरियसनेस नहीं आ सकती। एक तो मुझे ये लगता है, एक वो कंटिन्यू नहीं हो सकता, एक वो बाय हुक एंड क्रुक साथ वो व्यक्ति फिर मैनिपुलेट करने लग जाता है, मीडिया के पास जाएगा, टीवी वाले के पास जाएगा, इस तरह की वो करेगा। मुझे लगता है कि इसके बजाय हाँ, हम एक काम ज़रूर करते हैं, जो भी आता है उसकी फेसबुक पे हम पोस्ट डालते हैं कि उन्होंने आए वो आज और वो किया, लेकिन मैं अपने फ़ोटो या इस तरह के मैं अवॉइड करता हूँ, मैं कभी नहीं रहता। हमारे बच्चे जो करते हैं उनके तो ज़रूर वो करते हैं जी, हाँ, कि उसने ये किया, उसका एडमिशन हुआ। और उसका अर्थ एक ये भी है कि उन बच्चों का मतलब कहीं ना कहीं जैसे एडमिशन में ऐसे लोगों ने जैसे आपने सहायता मिली, तो हम ये थैंक्स मतलब भी करेंगे कि ग्रीमा टाइम्स में ये खबर आने के बाद अब हमारे ऊपर एक हॉल 3 कमरों के ऊपर श्री राजेंद्र अग्रवाल हैं, वो द ट्रिब्यून की खबर पढ़ के, सुनीत जी की खबर पढ़ के, उन्होंने कहा कि ये क्या है, उन्होंने कहा कि ये स्कूल है, तो उन्होंने कहा कि ये स्कूल में ये बच्चे बाहर के ऊपर रहे, उन्होंने कहा जी जगह कम फिर, उन्होंने कहा कि हॉल बनवाने में क्या होना लगेगा, तो किसी ने कहा कि वो 8-9 लाख रुपये का होता है जी आजकल, बड़ा कर सकते हैं उन्होंने। हाँ, उन्होंने वो हमारे को जानता था, ईमानदारी से ये बताऊँ कि कितने नफीस लोग हैं हमारे, नहीं मिल मतलब ना उस तरह से बहुत कम मतलब हमें मिलते हैं, लेकिन उसने 2 बार करके ये हमारा हॉल का मतलब ना वो जो बना है जी, उसमें वो हमारे से कभी नहीं मिला। उसने कहा मैं डाकिया हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा, इतना बड़ा मतलब योगदान, और बिना उसने कहा कि मेरा नाम नहीं लिखना बिल्कुल भी, हमने यूँ कह दिया थैंक्स, उसने कहा बस इतना ही बहुत है मेरे लिए, और जो पीड़ाएँ मैं से निकल के मैं यहाँ तक आया, तो मुझे ये लगा कि ये जो काम है वो पीड़ाएँ किसी को और सामने ना आए। मेरे पास गांधी स्कूल होता तो मैं बेहतर कर रहा था, मुझे कई बार ये लगता है, हम तो इकट्ठे पढ़ते थे, कई बार लाइट चली जाती तो लैंप भी लगा देते थे जी। और ऐसा ही मतलब ना इन परिस्थितियों में और सरकारी स्कूलों में जैसे 20-25 पैसे फीस मतलब वो होती थी उस तरीके से, उसमें जा जा के ना, लेकिन हमने ये सोचा कि मतलब ये जो काम है, मैंने अपनी नौकरी छोड़ के 3 महीने ही की, मैंने काउंसलर था, मैं डिस्ट्रिक्ट काउंसलर वहाँ पर समाज कल्याण विभाग में, और यहाँ भी टीचिंग वाला भी मैंने, फिर ये अपनी MA MPhil किया मैंने, साइकोलॉजी में पर्सनल मैनेजमेंट किया जी। और फिर मेरी गाइड ने कहा कि अपना काम कर PhD का शुरू करो जल्दी से, मैंने कहा ठीक है मैम, वो बड़ी बेहतरीन इंसान है वो डॉक्टर अमरता यादव, तो मैंने ये काम करना शुरू कर दिया। तब वो कभी सामने से आती तो मैं थोड़ा सा खिसक जाता, उन्होंने कहा, वो कहती इधर आ बात सुन, तुम ये काम करते रहना बिल्कुल, लेकिन ये काम भी करो। मैंने कहा ठीक है जी करूँगा, लेकिन ये काम इतनी समय मांगता है, इतनी इसकी ज़रूरतें हैं बच्चों के दाखिलों को लेके, उनकी ज़रूरतों को लेके, उनके माँ बाप को कई बार मेडिकल भी दिखाना होता है, कई बार पैसे भी नहीं होते, पिछड़ापन होता है, झोड़ा छाप डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं, कर्जे पे कर्जा हो जाता है, फिर उनको ये भी समझाना पड़ता है कि मैं बच्चों को ना, मेरे को तुम 12वीं तक दे दो, फिर 12वीं तक धीरे धीरे करके, ये जो पूजा है जिसने 80% मार्क्स लिए हैं जी, इसको 7वीं क्लास में इसकी शादी करने लगे थे, मैंने कहा 1 साल और दे दो मुझे, उन्होंने कहा ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि नहीं अब इसकी हेल्थ अच्छी है, इसलिए हमें तो ना रिश्तेदारों का और परिवार का ये दबाव है कि इसकी शादी करो जल्दी से, मैंने कहा 1 साल और दे दो। ऐसे करते करते वो 12वीं जब पास की, वो बहुत ही सिंपल और बहुत ही शुरुआत में उसको अपने जो पढ़ाई में बहुत कमज़ोर थी, लेकिन कई बार परिस्थितियां और जब लक्ष्य बना लेता है इंसान, तो मुझे लगता है कि वो आज सबसे बेस्ट डांसर हरियाणा में करनाल में जो है तो बेस्ट डांसर। अच्छा, हाँ, वो जो पूजा पूजा और वो नाटक में बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। अभी वो एक बाल सिंह के प्रोग्राम में गई थी, तो उसने मतलब जो जिस तरीके की क्रिएटिव मतलब पूरे देश के जो बच्चों के बीच में उसने किया, कमाल उसका वो था। मतलब आप ही अंदाज़ा लगाओ कि ये बच्चे यूपी मध्य प्रदेश और बिहार से आके हरियाणवी फोक के ऊपर एक बेहतरीन डांस कर रहे हैं और वो फर्स्ट आते हैं जी। तो मुझे लगता है कि कुछ बच्चों में एक रचनात्मकता तो होती है। बिल्कुल, तो परिवार का क्या रुख है,
पूजा अब परिवार ने ये कहा है कि मास्टर जी हमने ये लड़की आपको दे दी, आप जैसे कहेंगे ना वैसे, तो हमने उसका नर्सिंग में एडमिशन करवा दिया। हमने कहा ये 3 साल बाद जो आपकी जो स्थिति है इसमें हम ऐसा सोचते हैं, यकीन है हमारा कि इसको बदलने में इसका योगदान जरूर होगा। हम दावा कभी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आपके परिवार में कौन कौन है? बेटी है मेरी और वो PhD कर रही है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में इंग्लिश लिटरेचर जी। और परिवार टीचर हैं। मैंने हमने एक बेटी का रखा, लड़का लड़की वो चाहिए, उसमें लड़का हो चाहे लड़की हो, तो बेटी है। कभी परिवार की ओर से शिकायत आई है? परिवार में तो बड़ा रहता है ये जो काम करते हुए ना, ये इतना आसान नहीं होता। तो ईमानदारी फ्रेंकली बताऊँ ये जब मतलब आप मैक्सिमम वो करो तो मतलब आपको बहुत सारी जिम्मेदारियाँ, लेकिन अब चलो बेटी का एडमिशन हो गया, पहले उनकी मतलब जो वो ज़्यादा वो होती है, तो आपको सारी चीज़ें उसको जो संतुलन उसमें करने में ना बहुत मतलब निश्चित तौर पर आती है, मैं बहुत ईमानदारी के साथ बताता हूँ, और वो बढ़ती है चीज़ें मतलब ना उसमें। लेकिन आपको यदि ऐसा यदि है तो कुर्बानी तो देनी पड़ती है। उसके बावजूद भी मैं सोचता हूँ हम तो मध्यम वर्ग में, सी इज़ ए टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल और सेटल भी है, एक बेटी का JRF है, PhD कर रही हो, लेकिन मध्यम वर्ग जो होता है ना उसकी जो इच्छाएं हैं वो कभी पूरी नहीं होती। बिल्कुल। वो लिमिटलेस होती है। मुझे लगता है कि वो तो मतलब ना करीब करीब 80% लोगों से ऊपर की स्थिति है ये जी। ये तो नेचर है, व्यवहार है इंसान का। तो मैं मतलब बहुत ज्यादा बोझ उन पे भी नहीं बनता, मैं अपनी उस पे अपनी सिंपल अपनी साइकिल रखी, थैला उठाया, कोशिश करते हैं कि तो रहता है इस दौरान परिवार का सहयोग, मतलब 15-16 साल से आप स्कूल। हाँ, उन्होंने मेरे को ये इसके लिए कभी मतलब ये नहीं कहा कि तुम क्यों कर रहे हो, मतलब वो थोड़ा बहुत तो मतलब वो चलता रहता है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा, बल्कि मैं स्कूल में ही सोता हूँ वहाँ, क्योंकि वो उठा ले जाए, वो ऐसी जगह पे है वो कंप्यूटर और वो जो वो है उसमें, तो कई बार टेक्निकल सामान होगा हम वो जो मान लो टैब, हाँ टैब है, कंप्यूटर है और वो जो बुक्स हैं जी, और वो क्योंकि लाइट नहीं है तो हमने सोलर सिस्टम को वो लगा रखा है, तो आपको पूरा टाइम दिन रात मतलब उसमें डिवोट करना पड़ता है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन फिर भी हम ये सोचते हैं कि यदि हमारे से जो नीचे जीने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा है, मध्यम वर्ग को तो आप कितना मतलब ना, हम कितना ही 10 यूँ सोचते एक प्लाट और हो जाए, एक गाड़ी और हो जाए, और मतलब ना कहीं गुड़गांव में हो जाए, अगली बार भी सोचते नहीं न्यूयॉर्क में हो जाए। तो अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे उन्हें जिन्हें पढ़ने की ललक है लेकिन संसाधन नहीं है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि शिक्षा से बड़ा कोई धन नहीं है, और ख़ास तौर पे तमाम सारी जो राज्य है प्रशासन है, हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि सबके लिए शिक्षा हो, गुणवत्ता की शिक्षा हो और सस्ती शिक्षा हो, ताकि हम एक सुशिक्षित और एक बेहतरीन सभ्य समाज की ओर आगे बढ़ सकें। इसके लिए आज ज़रूरत है कि हम सब मिलकर इस दिशा में प्रयास करें, और ख़ास तौर पे उन तबकों के लिए जो साधनहीन हैं और जो मतलब कोसों दूर से चल के, चाहे वो प्रवासी मजदूर हैं चाहे यहाँ के स्थानीय मजदूर हैं, जिन लोगों का जो सामर्थ्य नहीं है इतनी महंगाई शिक्षा देने में, मुझे ये लगता है कि उनके लिए भी शिक्षा के दरवाजे सबके लिए खुले होने चाहिए, कॉमन स्कूल सिस्टम होना चाहिए और तमाम सारे स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं हमारी होनी चाहिए। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। नमस्कार। करने की इच्छा हो तो संसाधन खुद ब खुद सामने आते हैं, रास्ते खुद ब खुद खुल जाते हैं, ये साबित किया है गांधी स्कूल के उन तमाम बच्चों ने जिन्होंने आज कोई ना कोई मुकाम ज़रूर हासिल किया है, जिन्हें साबित कर दिखाया है गांधी स्कूल के संस्थापक नरेश कुमार ने। नमस्कार।